हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने थंबनेल को देख के इस वीडियो को सेलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल राइट जगह पे हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। क्योंकि इस बार जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की टैक्स ऑडिट होनी है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, वो 1 अप्रैल 2023 से ले कर 31 मार्च 2024 के साथ साथ 15 मई 2024 तक की भी सीए लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे। आज तक हम अप्रैल टू मार्च तक यानी कि 12 महीनों की ही टैक्स ऑडिट करवाते आ रहे थे। सीए लोग भी इन्हीं 12 महीनों की टैक्स ऑडिट ही करते थे, लेकिन इस बार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के भी 45 दिनों की ऑडिट इसी रिपोर्ट्स के अंदर सीए लोग करेंगे। क्या कुछ वो लोग चेक करेंगे? अगर आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इस सभी डेटा को किस प्रकार से एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स की जो नई सेक्शन है 43B क्लोज एच, वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से एप्लीकेबल है। और इस दौरान अगर आपने अपने सप्लायर्स को, जो कि एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है, एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वो माइक्रो हो सकता है, स्मॉल भी कैटेगरी के अंदर हो सकता है, अगर आपने उनसे कोई गुड्स परचेज किया या कोई सर्विस आपने परचेज करी है, तो अगर आपने उन सप्लायर्स की 45 दिनों के अंदर पेमेंट उन इनवॉइस की अगर नहीं करी, तो वो आपकी जो लायबिलिटी बन रही है सैलरी क्रेडिट की, वो आपकी इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। लेकिन सीए लोग किस तरीके से डाटा को आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर फिल्टर करेंगे कि कौन से तो इनवॉइस आपके 45 दिनों से पहले के हैं और कौन से 45 दिनों के बाद के आ रहे हैं। तो अगर आप भी टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एजिंग वाइज डाटा को किस तरीके से फिल्टर किया जाता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे। और किस तरीके से बताएंगे भी कौन से क्रेडिटर्स का आपका जो इनकम है वो किस तरीके से आपकी इनकम के अंदर एड होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो आपको भी आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू कर लेना होगा, ताकि आपको टैक्स ऑडिट के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, कोई स्टेप आप इस वीडियो का स्किप मत कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार और भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो इनकम टैक्स की नई सेक्शन ऐड हुई है फाइनेंशियल 23-24 में, सेक्शन 43B क्लोज एच, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इफेक्ट करेगी तो केवल सैलरी क्रेडिट्स की अमाउंट को करेगी। इसके अलावा सीए लोग जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 45 दिन एक्स्ट्रा जो आपकी ऑडिट कर रहे हैं, वो केवल ये अमाउंट चेक करेंगे सैलरी क्रेडिट की। और अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक उसके अंदर जो आपने ट्रांजेक्शन करी है, वो टोटल ट्रांजेक्शन आपकी हमेशा की तरह चेक होती रहेगी। तो हमने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, और बैलेंस शीट के दौरान हम एक बार यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट का जो पीरियड 31-3-2024 का हम देते हैं, और इसके दौरान हम देखें करंट लायबिलिटी में। तो यहाँ पर सेंट्रिक क्रेडिटर के जो हमारे पास टोटल पेबल है 31 मार्च को, वो है 83,255 रुपये का। ठीक है, अब ये 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट हमारी बनेगी, उसके अंदर ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनका जाएगा। लेकिन अब ये बात भी सीए लोग चेक करेंगे भी ये जो अमाउंट आपकी 31 मार्च की जो पेंडिंग आ रही है, अब ये सीधा सीधा आपका लायबिलिटी बन रही है भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के दौरान 45 दिनों के अंदर इसकी पेमेंट भी आपको करनी होगी। अगर आपका ये जो सेंट्रिक क्रेडिटर है यानी कि आपका जो सप्लायर है, अगर ये मैन्युफैक्चरर है और या सर्विस प्रोवाइडर है, या तो ये माइक्रो के अंदर कवर हो रहा हो या ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर कवर हो रहा हो, तब ये आपकी लायबिलिटी बनेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि 15 मई तक इसकी पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। अब बहुत सारे ऐसे इनवॉइस भी होंगे आपके पास में जो ड्यूरिंग द ईयर भी आपने 45 दिनों की पेमेंट है जो बाद में करी होगी, लेकिन उन सबको सीए एक बार अलग व्यू से देखेगा, और आफ्टर 45 डेज जो 31 मार्च के बाद में जो पेमेंट होनी थी उसको अलग तरीके से ट्रीट करेगा। किस तरीके से देखेंगे, हम सबसे पहले एक पार्टी का लेजर ओपन करते हैं। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे। मैंने एक लेजर ओपन कर लिया और इसका एक बार टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे दे दिया 31-1-4-2023 से लेके 31-3-24 तक का। तो 31-3-2024 तक की हम आउटस्टैंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर 57,439 रुपये का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इस दौरान हमारी साल के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी रही है जो हमने 45 दिनों के बाद के अंदर भुगतान किए,
तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो अभी कौन से ऐसे इनवॉइस है जो 45 दिनों के बाद में पेमेंट हुई है, ठीक है, अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर अगर वो क्लोज हो चुका है अकाउंट से, तो सीए लोग अपने डिस्क्लेमर के अंदर अपनी रिस्क पे वो चीज लिख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ड्यूरिंग द ईयर विद इन 45 डेज के अंदर भी क्लियर हो गया था, ये लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, वो एज ए सीए का काम है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या होगा, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी आपने ट्रांजेक्शन करके रखी हुई है परचेज की, तो सभी को आपको एक बार बिल बाई बिल डाटा एक बार जरूर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास बिल बाई डिटेल्स जो आती है, तो यहाँ पर जो हमारे से ड्यू डेट पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमें ड्यू डेट देने के बजाय हम ड्यू डेज देंगे, यानी कि 45 दिनों की आप लिमिट लगा के रख दीजिएगा। ये जो हमारा 5 मई 2023 का जो इनवॉइस है, इसकी हमें 45 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, यानी कि 19 जून 2023 तक इसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। चाहे आपका सप्लायर्स आपको 60 दिनों की, 70 दिनों की, 80 दिनों की क्रेडिट दे रहा हो, लेकिन सेक्शन ये कहता है भी आपको मैक्सिमम 45 डेज मिलेंगे, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने 45 दिनों की यहाँ पर टाइम पीरियड आपको हर इनवॉइस के अंदर लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपका काम भी आसान हो जाएगा और सीए लोगों का काम भी थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है सभी के अंदर 45 डेज की मैंने यहाँ पर क्रेडिट डेज लगा के रख दी है। अब हम चलते हैं इसकी एजिंग वाई डाटा पे, यानी कि हमें देखना है भी कौन से 45 दिनों के अंदर पेमेंट हुई है, कौन से 45 दिनों से बाहर जा रही है। तो इसके लिए हम स्टेट गेटवे टेली पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे, आउटस्टैंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम पेबल्स, अगर आपके पास जितने भी सेंट्रिक क्रेडिटर हैं और उनके अंदर सभी ने आपने मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल यस किया हुआ है, सभी के अंदर 45 डेज डाला हुआ है, तो आप जैसे पेबल्स पर क्लिक करेंगे तो टोटल आपके क्रेडिटर्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप सेपरेट एक अलग अलग लेजर को भी चेक कर सकते हो, तो आप लेजर पे हम जाएंगे और यहाँ से मैं उस लेजर को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ एक बार मैं टाइम पीरियड देता हूँ 1/4/2023 से लेके 31/3/24, ठीक है। तो अब 31/3/2024, तो यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए तो आवर ड्यू डेज, तो यहाँ पर ये केवल एक ऐसा इनवॉइस है जो हमारा 184 दिन लेट चल रहा है, और बाकी की जो अमाउंट्स है वो आपके क्लियर है, लेकिन अब हमें 45 डेज का कमांड यहाँ पर देना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है एजिंग मेथड का, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको मेथड ऑफ एजिंग पूछा जाएगा, भी एजिंग आपने बिल डेट पे लेना है या ड्यू डेट के हिसाब से लेना है, तो हमें ड्यू डेट पे लेना है, बिल बेस लेना है बिल डेट पे, और यहाँ पर आपको फ्रॉम 0 to 45 और उसके बाद में 45 to 0 कर देना है, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेस देन 45 और ग्रेटर देन 45 डेज, यानी कि ये तो इनवॉइस आपके 45 दिनों से कम की है, और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आएगी वो आपके आफ्टर 45 दिन की, ये 45 दिनों के बाद की ड्यू है, और ये जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं ये 31 मार्च 2024 की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग हमने देखी थी 31 मार्च 2024 की, वो आ रही थी 57,439 रुपए की, यानी कि इसके अंदर 46,463 रुपए के तो ऐसे इनवॉइस थे जो 45 दिनों के कम के हैं, ठीक है, और 10,976 रुपए की अमाउंट ऐसे इनवॉइस आपके जो 45 दिनों को क्रॉस कर चुके हैं 31 मार्च तक, ठीक है। अब हमें बात यह है कि जो हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग रही है वो आपकी 15 मई 2024 तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम वापस टाइम पीरियड चेंज करते हैं और यहाँ हम लगाते हैं 16/5/2024, यानी कि 15 तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए, अगर 15 तारीख हम डेट लेंगे 16 मई की, जैसे हमने 16 मई का डेट लिया तो आप देखोगे आगे वाली जो पेमेंट थी 31 मार्च को जो ड्यू था आपका सेंट्रिक क्रेडिटर का, वो आपने 45 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी, वो सारे के सारे इनवॉइस आपके 45 दिनों से बाहर जा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भी ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग है 41,439 रुपए, ये आपकी इनकम के अंदर सीए रिपोर्ट है जो ऐड करेंगे अपनी रिपोर्ट के दौरान, भी 41,439 रुपए की जो पेमेंट है वो आपने टाइम पीरियड के दौरान नहीं करी, तो ये आपकी इनकम के अंदर ऐड किया जाता है, तो ये सीए लोग अपनी रिपोर्ट में चेक करेंगे। अभी 41,439 कैसे आया, अब इसकी हम वापस लेजर पे चलते हैं, वहां पर आपको क्लियर होगा, और वापस मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं 1/4/2023 से लेके 16/5/2024 तक का मैं
डेटा यहाँ पे लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे इस रिपोर्ट को देखें तो 31 मार्च तक का तो हमारा जो बैलेंस आ रहा था वो 57,439 रुपये था, लेकिन आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमने यानी कि 6 मई को जो पेमेंट करी है वो अभी तक केवल 16,000 रुपये की ही पेमेंट करी है। हालांकि जो बैलेंस आपका बच गया 41,439, यानी कि वो अभी हमने जो रिपोर्ट देखी थी ग्रेटर देन 45 डेज यानी कि 45 दिनों के बाद की जो ड्यूज है वो 41,439 रुपये की है। ये अब आपकी इनकम के अंदर ऐड किए जाएंगे। अगर हम इसकी पूरी स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि पूरे साल के दौरान ये कहीं भी अकाउंट से जो जीरो नहीं हुआ और न ये कोई डेबिट साइड के अंदर गया। तो एक बात यहाँ पर भी तय है कि आपकी जो ड्यूरिंग द ईयर जो इनवॉइस थे वो भी विद इन 45 डेज है जो आपके क्लियर नहीं होंगे। अगर वो क्लियर नहीं हुए तो ये ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 तक की आपकी आउटस्टैंडिंग है जो जीरो रहती है तो आपकी ये भी रिपोर्ट्स ये लोग शायद नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते और कर भी सकते हैं, वो सीए लोगों का काम है। तो 31 मार्च तक की जो आउटस्टैंडिंग वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी 57,439 रुपए की। तो रिपोर्ट अब आपकी जो 31 मार्च का जो बैलेंस बचेगा उसके आधार पर रिपोर्ट जाएगी भी इसकी जो पेमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के दौरान कर दी या नहीं कर दी। अगर आपने 57,439 रुपए की 15 मई तक पूरी कंप्लीट अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उस दौरान आपका ये जो बैलेंस है तो वो आपका इनकम के अंदर ऐड नहीं होगा, लेकिन आपने पेमेंट कम करी है तो आपका ये बैलेंस बचा, ये आपकी इनकम के अंदर ऐड होगा। अब हम एक लेते हैं दूसरा अकाउंट, राम सिंह एंड कंपनी है। अब इसके अंदर मैंने जो बिल बाय डिटेल है वो मैंने इसका ऑफ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो वो ऑप्शन नहीं पूछा। और मैंने यहाँ पर इसके अकाउंट्स में जाएं तो मेंटेन्स बैलेंस बिल बाय बिल की जो डिटेल है आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको नो करके रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जब इस टाइप के लेजर की अगर आप रिपोर्ट चेक करोगे, ठीक है ना, तो अब इस टाइप की रिपोर्ट अगर हम सबसे पहले 31 मार्च की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ देख सकते हो इसकी 25,816 रुपये का आउटस्टैंडिंग आ रहा है 31 मार्च को। हालांकि ये दो आगे की जो पेमेंट है वो 10 मई 2024 की और 12 मई 2024 की पेमेंट है। तो हम 31 मार्च का एक बार बैलेंस 25,816 है। तो अगर इसकी रिपोर्ट हम देखेंगे भी कौन से इनवॉइस 45 दिन से पहले की चल रहे हैं और कौन से 45 दिन के बाद के हैं, तो इसकी रिपोर्ट हम देखने के लिए वापिस डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग लेजर, ठीक है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 23 से 31 दिन 24, तो यहाँ दिखा सकते हैं, देख सकते हो आप इसके अंदर 25,816 रुपये पेंडिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एजिंग वाइज फिल्टर लगाते हैं बिल डेट 045 और 45-0, ठीक है, तो ये कह रहा है भी ये टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग है जो 25,816। अब यहाँ पर इसने ये कुछ भी नहीं दिखाया भी इसके अंदर 45 दिन से पहले के कौन से हैं और 45 दिन के बाद के कौन से हैं। तो इसलिए अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो तो सभी के अंदर एक बार कमांड के अंदर आप अपनी मैक्सिमम जो लिमिट्स है डेज की 45 वो आप एक बार जरूर कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास सेंट्री क्रेडिट्स की लिस्ट ज़्यादा है, तो आप सभी को एक बार इन सभी रिपोर्ट्स को एक्सेल के अंदर लेके, जैसा कि हम इसको लेजर को लेंगे 1/4/2023 से लेके और 16/5/2024 तक की रिपोर्ट देखेंगे, तो आप इनको क्योंकि आप ये देख सकते हो ये बैलेंस यहाँ पर डेबिट भी रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर इसको पेमेंट है जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, बाद में इनवॉइस आया तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, फिर यहाँ पर इसका वापस बैलेंस डेबिट हो गया, यहाँ पर भी इसका बैलेंस डेबिट हो गया। तो कह सकते हैं भी आगे मतलब ड्यूरिंग द ईयर ये आपका जो बैलेंस डेबिट और क्रेडिट चलता रहा, लेकिन आपने इसका मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाई बिल नहीं किया। तो ऐसे रिपोर्ट्स को आप अपने को लेवल पे एक्सेल पे लेके इसको चेक करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपका 45 डेज का जो कमांड्स है यहाँ पर पर्टिकुलर काम करने वाला नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा काम कर लोगे तो आपको भी इजी हो जाएगा भी कौन सी ऐसे अमाउंट्स है, कौन से ऐसे इनवॉइस है जो आगे भी ड्यू जा रहे हैं। आई होप कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और आपने फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट करना, और आप सेक्शन 43 भी क्लोज एच के बारे में और डिटेल के साथ जानना चाहते हो तो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि किस किस टाइप के ऊपर ये बिजनेस के ऊपर ये 43B का जो क्लोज एच है वो एप्लीकेबल है,
कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके अलाउ होंगे, कौन से डिसअलाउ होंगे, कब आपकी इनकम के अंदर ऐड होगी, सारी डिटेल की जानकारी हमने सीए लोगों के साथ वो डिस्कस किया हुआ है, तो उन वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखिएगा।